हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीफेस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम सिंपलीफिकेशन के कुछ सवाल इस क्लास में करेंगे और आज हम वो सवाल करने वाले हैं जो फार्मूला बेस्ड हैं, जो फार्मूले पर आधारित होते हैं। लंबे लंबे सवाल एग्जाम में दिए होते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं या जो कंपटीशन में नए नए आए हैं, उन बच्चों पर ये सवाल नहीं हो पाते और पेपर में जो सवाल आ जाता है तो उसको हम कम समय में उसको हम सवाल को नहीं बना पाते हैं। तो आज हम सीखेंगे उसकी ट्रिक भी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक वीडियो में बने रहें। और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, तो हम सीखते हैं वो सवाल कैसे सवाल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है 0.67 मल्टीप्लाई 0.67 मल्टीप्लाई 0.67 माइनस 0.001 अपॉन 0.67 मल्टीप्लाई 0.67 प्लस का साइन 0.067 प्लस 0.001। ये एक सवाल हमने लिया है। इसको अगर हम देखें, एक नया बच्चा अगर होगा तो इसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करता है, इसमें गुणा घटा करने की कोशिश करेगा। पहला हमारा बेसिक यही है, जो मूल तरीका है, हम सबकी गुणा करते हैं, उसको ऊपर सबट्रैक्ट कर लेंगे, नीचे गुणा करेंगे और सबको जोड़ लेंगे, तब भाग करेंगे, तब इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें काफ़ी समय खर्च करना होता है, तो हम इसको ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ इसमें ट्रिक के सहारे इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम एक फार्मूला लिख लेते हैं, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो इस सवाल को आप बहुत जल्दी से फ्रेम कर सकते हैं। इसमें क्या, इस सवाल को अगर हम देखें, इस फार्मूले को देखें, तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करने का तरीका है, इसको खोलने का तरीका है कि पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी इसका जो एक्सपांसन रूप है इस फार्मूले का, वो ए प्लस बी और इनटू में दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। अगर ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 कहीं लिखा है तो उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, उसका विस्तारित रूप लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। और अगर ऐसा लिख रहा है तो उसको सॉल्व करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों साइड जा सकती हैं। इसी में माइनस वाला भी फार्मूला होगा, एक ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। अगर ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 जैसा कोई फार्मूला हमें देखने मिलता है तो उसका एक्सपांसन होता है, उसका विस्तारित है रूप है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इन दोनों ही फार्मूलों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि अगर ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 है तो यहाँ तो प्लस आने वाला है, लेकिन इस वाली जगह पर जो माइनस का ए बी है, यहाँ माइनस आने वाला है। ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 में यहाँ प्लस था या माइनस है, लेकिन अंदर जो ए बी है वो प्लस आने वाला है। अब इस इन दोनों ही फार्मूलों पर बेस्ड ये सवाल आधारित है। इन फार्मूलों पर आधारित इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो इस सवाल को हम पहले क्या करना है कि इस सवाल को उस फार्मूले में ढालना है। जब ये ढल जाएगा, फ्रेम हो जाएगा, तब इसको हम बड़े आसानी से केवल शॉर्ट ट्रिक के तहत सवाल करेंगे। तो पहले 0.67 मल्टीप्लाई 0.67 मल्टीप्लाई 0.67। अभी हमारे ये तीन टर्म थे उसको हमने ऐसा ही लिख लिया है। इधर लास्ट में माइनस का साइन है और माइनस के साइन के बाद 0.001 लिखा है। इस 0.001 को हम मल्टीप्लाई में 0.1 मल्टीप्लाइड 0.1 और मल्टीप्लाइड 0.1 भी
लिख सकते हैं, क्योंकि वन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो केवल वन आएगा। अब पॉइंट तीन के बाद है तो फिर कंडीशन एक दो तीन यही कंडीशन बनेगी। तो इसलिए 0.001 को हमने तीन जगह मल्टीप्लाई में ब्रेक कर लिया और ये बन गया 0.1 × 0.1 × 0.1। नीचे नीचे आते हैं बटे में 0.6 × 0.6 प्लस का साइन। थोड़ा सा हम यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, ये लिखा है 0.67 जबकि पहले टर्म में 0.67 है और वहाँ पर देखें हम तो ये लिखा है 0.067 यानी एक पॉइंट ज़्यादा है। इसको भी हम मल्टीप्लाई में ब्रेक कर सकते हैं 0.67 × 0.1। जब इन दोनों ही पदों की मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो पॉइंट तीन के बाद आएगा, दो पॉइंट ये हैं और एक पॉइंट ये, तो पॉइंट तीन के बाद आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है यहाँ पे, इसको लिखेंगे 0.67 × 0.1। नीचे देखें प्लस में लिखा है 0.01, इसे भी हम तोड़ सकते हैं 0.1 × 0.1 में, क्योंकि यहाँ 0.1 की मल्टीप्लाई करके इसको भी लिख दिया गया है। तो इसे लिख सकते हैं 0.1 × 0.1। अब ये कुछ फार्मूला फ्रेम हो चुका है, जहाँ पर हमें जहाँ 0.67 लिखा है उसको ए मान लो और जहाँ 0.1 लिखा है उसे बी मान लो। कुछ देर के लिए ए और बी मान लीजिए, तो इसे हम क्या मान लेते हैं ए, इसे भी हम मान लेते हैं ए, इसे भी मान लेते हैं हम ए। 0.1 को बी, 0.1 को बी और 0.1 को बी, बी मान लो। यहाँ 0.67 को ए, 0.67 को ए, 0.67 को ए, 0.1 को बी, 0.1 को बी, 0.1 को भी बी मान लिया। अब ए की मल्टीप्लाई ए से, फिर ए से कर लो। जब ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे, ए स्क्वायर फिर करेंगे ए से, तो ए की पावर तीन बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी की बी से, तो बी स्क्वायर फिर करेंगे बी से, तो ये बन जाएगा बी की पावर तीन। ये बन गया बी की पावर तीन। ऐसा केवल हम इसको मान के कर रहे हैं, गुणा करेंगे इनकी तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन हमने मान लिया है कि 0.67 बराबर ए मान लिया है, 0.1 बराबर बी मान लिया है, क्योंकि यहाँ भी 0.67 की मल्टीप्लाई करोगे तो तीन पावर आ जाएगी। स्पेशली हमने उसको सिंपल करने के लिए, केवल समझने के लिए ऐसा बना लिया है। नीचे बात करें तो ए की मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है। अब ए की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस में ए बी, और बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो यहाँ बी का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास बन चुका है ए की पावर तीन माइनस बी की पावर तीन और बटे में आ चुका है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये इतना बन चुका है। और हमने अभी फार्मूला लिखा है ए की पावर तीन माइनस बी की पावर तीन का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस फार्मूले को यहाँ से लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। नीचे बटे में हमें पहले से ही दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। अब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों जगह पर ये सेम है, दोनों ही वैल्यू समान है, सेम वैल्यू है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी ऊपर नीचे। तो हमें जो बचेगा यहाँ पे वो ए माइनस बी बचेगा केवल। अब इस सवाल में अगर हमने इस सवाल को जब फार्मूले में फ्रेम किया तो ये ए माइनस लास्ट में बी बच के आ रहा है, तो इस सवाल का जब हमें आंसर चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे इसमें, केवल कि ए माइनस बी कर लेंगे इसका, यानी
0.67 को हमने ए माना है और 0.1 को हमने बी माना है, तो 0.67 में से हमें केवल 0.1 को घटा देना है और इस सवाल का हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम करते हैं यहाँ पे 0.67 माइनस 0.1। अब इसको घटा लो, घटाने का तरीका ये है 0.67 दोनों के पॉइंट मिला लेंगे हम, यहाँ बचेगा 7 यहाँ बचेगा 5, तो हमारा आंसर बच जाएगा 0.57 यानी 0.57। ये इस सवाल का आंसर होगा। तो जब हम पेपर में ये सवाल दिया होगा तो हम ये कुछ भी नहीं करने वाले, हम केवल क्या करेंगे कि इस ए में से बी को सबट्रैक्ट कर लेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सवाल है हमारा वो किस फार्मूले पर बेस्ड है, जिस फार्मूले पर आधारित होगा उसी के आधार पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। अभी ये सवाल हमारा ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 पर आधारित है, इसलिए नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये पहले से ही अवेलेबल था, तो इसलिए ये वाला जो टर्म सब आपस में कट जाएंगे, केवल ए माइनस बी बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में ए माइनस बी वाला आंसर निकाल लेंगे हम, यानी पहले पद में से दूसरे पद को हटा के सीधा आंसर कर लेंगे, कोई गुणांकन नहीं ना कोई हमको यहाँ भाग करनी है। तो मेरे दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया होगा, मैं अब दूसरा सवाल लेता हूँ अगला। 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और इसके बटे में है 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस का साइन 0.8 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस का साइन 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ये अगला सवाल है हमारा। इस सवाल में भी हम देखें तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 यानी 0.8 की तीन जगह मल्टीप्लाई है, माइनस में 0.5 भी तीन जगह मल्टीप्लाई है, ऊपर नीचे 0.8 दो जगह मल्टीप्लाई, फिर दोनों पदों की मल्टीप्लाई, फिर 0.5 की भी मल्टीप्लाई दो जगह है। फिर से हम इसको ऐसे ही मान के कर लेते हैं कि जहां हमारा 0.8 है उसको ए समझ लीजिए और जहां 0.5 है उसको बी मान लीजिए। ऐसा मान के हम इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। जैसे जहां 0.8 है उसको ए मान लिया, सब में ए रख दो, जहां 0.5 है वो बी रख दो, इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसे ए, इसको बी और इसको भी बी, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ होगी और फिर ए के साथ होगी और बी की मल्टीप्लाई बी से फिर बी से, फिर उसकी मल्टीप्लाई इनसे करेंगे हम, नीचे वालों की मल्टीप्लाई आपस में ऐसे करेंगे, ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे ए स्क्वायर, फिर स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ए की पावर 3 यानी ये बन जाएगा ए की पावर 3। 0.5 × 0.5 × 0.5 यानी बी गुणा बी गुणा बी बराबर बन जाएगा बी की पावर 3 बटे ए गुणा ए। 0.8 × 0.8 बराबर बनेगा 0.8 की जगह पर ए का स्क्वायर प्लस का साइन है 0.8 × 0.5 यानी ए इंटू बी, ये बन जाएगा ए प्लस बी, तो ये होगा ए और बी प्लस का साइन बी इंटू बी बराबर बी स्क्वायर। फार्मूला वही ऊपर दूसरा वाला, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, फिर से इसको ब्रेक कर देते हैं तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। अभी हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही जगह जो हमारे
ये वैल्यू हैं वो समान हैं, सेम हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ केवल बचेगा a माइनस बी, केवल a माइनस बी यहाँ बचने वाला है, बचेगा। तो इस सवाल को हमें कोई भी इसकी कैलकुलेशन गुणाभाग नहीं करनी है, केवल क्या करना है कि a में से b को घटा देना है, मतलब कि 0.8 में से 0.5 को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 0.8 माइनस 0.5, तो ये बचेगा 0.3 और ये इसका उत्तर होगा। तो जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम ये कुछ भी हमें नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये समझना है कि इसमें कौन सा वाला फार्मूला बन रहा है, उसी को हम दिमाग में फ्रेम करेंगे और सीधा हम ये देख लेंगे प्लस वाला बन रहा है या माइनस वाला। अगर माइनस वाला फार्मूला फ्रेम हो रहा है तो क्या करना है कि पहले टर्म्स में से दूसरे टर्म्स को केवल घटा देना है और वही हमारा आंसर होगा, यहाँ कोई भी गुणा भाग हमको नहीं करनी है, तो ये हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं इसी का। 9.6 मल्टीप्लाई 9.6 मल्टीप्लाई 9.6 माइनस 5.4 मल्टीप्लाई 5.4 मल्टीप्लाई 5.4 बटे में 9.6 मल्टीप्लाई 9.6 प्लस 9.6 मल्टीप्लाई 5.4 प्लस 5.4 मल्टीप्लाई 5.4। अब इस सवाल को हमें कोई फ्रेम नहीं करना है, हम दो सवाल पिछले समझ चुके हैं, ये बिल्कुल उसी पर आधारित सवाल है, और ऐसा सवाल अब एग्जाम में आता है तो हमें ये समझना है कि देखो पहला 1, 2, 3 यानी 9.6 तीन जगह मल्टीप्लाई में है, इधर 5.4 भी तीन जगह मल्टीप्लाई में है, तो ये बनेगा एक ए की पावर 3 और ये बनेगा हमारा बी की पावर 3। नीचे ये देखें हम तो ए स्क्वायर बन रहा है, इसे देखें तो ए बी बन रहा है, और इसे देखें तो हमारा बी का स्क्वायर बन रहा है, यानी केवल हमें इसमें क्या बचेगा, केवल नीचे से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसमें कैंसिल हो जाएगा और बचने वाला है इसमें क्या, ए माइनस बी। अगर यहाँ माइनस दे रखा है और नीचे ऐसा लिखा है और यहाँ प्लस है तो क्या बचेगा हमें केवल यहाँ पे, यह बचेगा हमारा 9.6 माइनस 5.4। इस सवाल को हमें सॉल्व नहीं करना है, फिर इसको हमें केवल सीधा इसका आंसर निकालना है। 9.6 में से हमें 5.4 को घटा देना है सीधा, हमें क्या करना है 5.4 को सीधा इसमें से घटा देना है, क्योंकि ये बन गया ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 वाला फार्मूला बन चुका है, और नीचे जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले टर्म्स है वो भी इसमें बन चुका है। तो घटाने का तरीका ये 9.6 में से 5.4 को हटा देंगे, माइनस कर लेंगे, 6 में से 4 जाएंगे 2 पॉइंट और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। इस सवाल का सीधा आंसर हो जाएगा हमारा 4.2। अब इसको हमें नहीं सॉल्व करना है, नहीं कुछ करना है, केवल इसमें सब्ट्रैक्शन करके आंसर निकाल देना है, तो ये सवाल नंबर तीसरे का आंसर होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे। 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई 1.25 बटे 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 माइनस 1.75 मल्टीप्लाई 1.525 1.25 इंटू
1.25। ये सवाल नंबर चार है हमारा, यह है सवाल नंबर हमारा चार। इसमें क्या है, अब की बार साइन जो है इसमें प्लस का है माइनस का रही है, तो यहाँ हम माइनस वाला फार्मूला लगाने वाले हैं, इसमें हम प्लस वाला फार्मूला लगाने वाले हैं। तो देखिए क्या करते हैं, जहाँ हमारा 1.75 है उसको ए मान लीजिए, और जहाँ 1.25 है उसको बी मान लीजिए। अब इसको हमने ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, इसे हमने बी मान लिया, इसे भी बी मान लिया, और इसे भी बी मान लिया। ये भी हमारा ए है, ए है, इसको ए, इसको बी, इसको बी, इसको भी बी मान लेंगे। अब क्या होगा, ए की मल्टीप्लाई ए से फिर से करेंगे तो ए की पावर बनेगी 3, प्लस का साइन ये वाला। बी की मल्टीप्लाई बी से फिर बी से तो बी की पावर बनेगी 3। और नीचे ए की मल्टीप्लाई ए से ए का स्क्वायर माइनस का साइन, ए की मल्टीप्लाई बी से तो माइनस का ए बी, बी की मल्टीप्लाई बी से प्लस का बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला इसमें फ्रेम जो हो रहा है वो हमारा ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 वाला फार्मूला यहाँ पे बन गया है हमारा। तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का फार्मूला सूत्र है हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम खोल देते हैं, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। नीचे पहले से ही ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, दोनों एक जैसे ही वैल्यू हैं, मान हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ जो बचने वाला है वो केवल ए प्लस बी है, इसमें केवल ए और ए प्लस बी बचा है। तो अब इस सवाल का जो हमें आंसर मिलना चाहिए वो क्या होगा, कि इसमें हमारे लास्ट में जो उत्तर हमें मिला है वो ए प्लस बी मिल रहा है। तो ए प्लस बी का मतलब है कि 1.75 प्लस 1.25 को हमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 1.75 प्लस 1.25। इसको हम ऐड करेंगे तो 1.25 ऐसे पॉइंट को मिलाकर जोड़ के 5 और 5 10, 7 2 9 10 और यहाँ हो जाएगा 3। तो इसका जो उत्तर हमें मिलेगा वो 3.00, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें अगर ये सवाल इस टाइप से दिया हुआ है, प्लस वाला सवाल है, तो पहले और दूसरे टर्म्स को केवल जोड़ लो और आंसर निकाल लो, कोई गुणा नहीं, कोई भाग नहीं, कुछ नहीं करना, सीधा आंसर निकाल देना। अगला पांचवा सवाल है हमारा 0.87 का पावर 3 प्लस 0.13 की पावर 3 बटे 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर और माइनस 0.87 मल्टीप्लाई 0.13। ये एक सवाल है हमारा, ये भी दे रखा है, तो इसको हमें इसमें कुछ ज़्यादा हमें मेहनत नहीं खपानी है, बस फार्मूले को फ्रेम कर देना है। जहाँ पर 0.87 लिखा है उसको ए मान लो, और जहाँ 0.13 लिखा है उसको केवल बी समझ लो, और सीधा फार्मूले में रख दो। यहाँ ए की जगह जहाँ 0.87 है वहाँ ए रख दीजिए, तो ये बन जाएगा ए की पावर 3 प्लस का साइन, और जहाँ 0.13 है वहाँ बी रख दीजिए, तो ये बन जाएगा बी की पावर 3 बटे में आ जाते हैं 0.87 जहाँ है वहाँ पर ए, तो ए का बन जाएगा ये स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही प्लस का साइन
0.13 है, इसका जगह हमने b माना है, तो यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा b का स्क्वायर, और माइनस का साइन है, इसकी जगह a और इसकी जगह b, तो ये बन जाएगा ए बी। अब फिर से वही फार्मूला बन चुका है प्लस वाला, बस क्या दिख रहा है हमें ये बाद में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, वटे में आ जाते हैं। ए स्क्वायर ए माइनस बी बाद में लिखा है, इसको पहले लिख लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, और प्लस में बी स्क्वायर। अब ये दोनों ही वैल्यू यहाँ से कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा इसमें भी ए प्लस बी। उत्तर में इसके आंसर में हमको केवल ए प्लस बी ही बचने वाला है। तो यहाँ क्या हुआ कि इस सवाल में हम ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 वाला फार्मूला हमें यहाँ भी बन गया है, तो आंसर क्या देना है हमें ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है कि 0.87 में हमें प्लस करना है 0.13, इसको ऐड करेंगे 37 में ऐड होगा 10, 1.89 और एक 10, तो आंसर में केवल मिलेगा 1.00, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो अगर हमें पेपर में कहीं पर भी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं तो हम उनको इसी टाइप से करेंगे, फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं ये, और इनको करना बड़ा आसान होता है, लेकिन हमको क्या है कि बस बड़े बड़े सवाल होते हैं तो देख कर थोड़ा भयाकुल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी इन सवालों में है नहीं, बहुत आसान है, सिंपल है। तो आज के लिए हम ये इतना ही रखते हैं बस, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।